क्या कहते हैं इसे बेटा? शहजान सिंह की हवेली। शहजान सिंह की हवेली, यहाँ पे रहता है कोई? सात साल। और ये कितनी पुरानी है? सौ साल से भी ज्यादा होगी। ये ईंट है बट इस पे मैनेज हुई है ना, सॉलिड। छत की हालत देखें, लगता है यहाँ पे आग लगी है, बट ये लकड़ इतनी पुरानी है यहाँ पे कि इसकी हालत खस्ता हो गई है। इस दरवाजे की कीमत आई थिंक अभी करोड़ों में होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर हैं और 2 इधर। तो ये शॉप है जी, इनके पास ये पड़ी है मुश्का, छोटा मुश्का। ये आई थिंक मशेर, नहीं वो वाली मशेर है। ये रोहू है, वो भी रोहू है। ये आ गया जी सिंगाड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कामरान और खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैं और इजाज़ भाई आए हैं पिंडी देखने आए हैं। सो पिंडी वैसे तो देखी हुई है, बट ये वाली पिंडी जो है ये असल पिंडी है, पुरानी पिंडी। सो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये महकमा औकाफ की बिल्डिंग है। अब इसकी ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं मुझे पता, एक पुरानी हवेली है पिंडी में, बनी चौकली साइड पे। सो ये आपको दिखाते हैं, अच्छी कंस्ट्रक्शन है, मतलब बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन है, कम से कम 200 साल 150 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है। सो चलें ख़ुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत, मैं इसके दरवाजे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी रहता तो कोई भी नहीं है, वीरान है, बट यहाँ की जो हिस्ट्री है ना, कोशिश करते हैं कोई पता करते हैं किसी से यहाँ पर अगर कोई मिलता है। छत पे भी देखें जो स्लैब्स पड़ी हुई हैं, इनमें भी कार्विंग हुई है। यहाँ से तो शायद उस दिन क्लियर नज़र ना आ रही हो, बट इस पे भी कार्विंग हुई है। बहुत खूबसूरती से जो है छत के ऊपर जो फट्टे बने हुए पड़े हुए उन पे फूल बने हुए। इसी तरह ये वाला पिलर है, ये भी बहुत मेहनत से बनाया गया है। और इसके ऊपर ये जो डॉट कह लें, ये जो है लोहे का यहाँ पर पिलर है, गार्डर है लोहे के। माशाल्लाह फटों की हालत देखें, ये भी वही पुराने, अभी तक ये चेंज नहीं हुए मेरे ख्याल में एक दफ़ा भी। सेम इसी तरह के वो जो पिलर है, सेम उसी तरह के पिलर यहाँ पे भी हैं, आपको देखने को मिलेंगे। 8 से 10 पिलर्स हैं यहाँ पे। हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर हैं और 2 इधर, और 3 इधर हैं। ये जो है ये अब लोहे का बना हुआ है पूरा, और इसी ने इसका सारे का वेट जो है थमा हुआ है इस चीज़ में। क्या कहते हैं इसे बेटा? शहजान सिंह की हवेली। शहजान सिंह की हवेली, यहाँ पे रहता है कोई? नहीं इधर कोई नहीं रहता। अच्छा, आप इधर ही रहते हो आप? जी। अच्छा, ये छत की आप देख सकते हैं खस्ता हालत। ये भाई है, इनसे जरा पूछते हैं शायद इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन हो। 7 साल से। और ये कितनी पुरानी है? 100 साल से भी ज्यादा होगी। इसके अंदर कुछ गए हुए, अंदर जाने की इजाजत है? लेकिन अभी गार्ड नहीं। अच्छा गार्ड नहीं, तो देखभाल कर रखिए। महकमे को औकाफ वाले कर रहे हैं। अच्छा थैंक यू जी। तो ये इसकी दीवारें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चेक करें जरा, ये जो डिज़ाइन बने हैं इस पर कितनी मेहनत हुई हुई है। और दरवाज़ा चेक करें, इस दरवाज़े की कीमत आई थिंक अभी करोड़ों में होगी। जो हिस्ट्री लवर्स हैं वो आई थिंक इसकी वैल्यू जानते होंगे। इसी तरह जो है यहाँ पे जो पत्थर पे काम हुआ है, इसकी भी मेहनत आप देखें, ये आई थिंक सॉलिड पत्थर है।
बिल्कुल एग्जैक्टली जी, ये जो नीचे स्लैब्स लगी हुई हैं पत्थर की, ये भी सॉलिड पत्थर है, मतलब ये पीसीज में नहीं है, ये यहाँ से लेके ये पूरा जो है एक पत्थर है। और सेम इसी तरह ये दरवाज़ा देखें, छत की हालत देखें, लगता है यहाँ पे आग लगी है, बट ये लकड़ इतनी पुरानी है यहाँ पे कि इसकी हालत खस्ता हो गई है। और ये वाला दरवाज़ा चेक करें, चूने और मिट्टी के मिश्रम के साथ मिला के कंस्ट्रक्शन दी गई है, ऐसे ही जो कदीम जितनी भी हमारी इमारतें हैं बिल्कुल उसमें चूने का काम किया जाता है। उसको एग्जैक्टली जी, ये काम देखें जी, माशाल्लाह ये ईंट है बट इस पर मेहनत जो हुई है ना, ये देखें सॉलिड, ये छोटी छोटी आर्चेस हैं, हाँ ये आर्चेस हैं, रोशनी यहाँ पे दिया रखा जाता था, ये यहाँ से टूटी हुई है, वो दूसरी जो है ना वो अब यहाँ पे गार्ड नहीं है, अगर गार्ड होता तो आपको अंदर का भी विजिट करवाते, लेकिन इंशाल्लाह ये उधार रहा, फिर कभी इंशाल्लाह आए तो लाजमी अंदर का भी चक्कर लगाएंगे। वट अ ब्यूटी जी, दरवाजे पे कार्विंग का काम देखें किस कदर बारीकी से और कितनी मेहनत से हुआ हुआ है, ये देखें। सो अंदर यहाँ से देखते हैं, अभी यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि दरवाज़ा बहुत हैवी है, बट ये किसी दिन इंशाल्लाह आएंगे और स्पेशली अंदर का विजिट भी आपको करवाएंगे यहाँ से। इस साइड पे भी इसी तरह आर्च एक वो बनी हुई है और एक ये रोशनी के लिए, यहाँ पे दिया वगैरह रखा जाता था, ये दिए के लिए जगह बनी हुई है। और ये भी जो है सेम इसी तरह दिए के लिए बनी हुई है, और ये भी लकड़ का दरवाज़ा लगा हुआ है, आगे ये लोहे की चादर लगाई हुई है, लेकिन ये भी मेरे ख्याल में तब की लगी हुई है, बाद में नहीं लगाई हुई है। सो चलते हैं ज़रा भाई, ये काम जो ये भी जगह हवेली का हिस्सा है और यहाँ पे इन्होंने अब पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, ये तो इन्होंने खुद से लगाए हैं, बट ये हवेली ये भी जो है कंस्ट्रक्शन ये भी इसी के साथ की है। ये इसकी जो है बैरूनी खिड़की है दीवार की, ये एंड तक यहाँ का कोई मुकामी बंदा, यहाँ का कोई मुकामी बंदा अगर मिले ना तो उससे इसकी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बट और ये चेक करें, ये जाली भी हाथ से बनी, बिल्कुल बिल्कुल इस जाली की बात कर रहे हैं। पिंडी की अब गलियां देखें ज़रा, ये गलियां हैं और इस गली से हम आए हैं, और ये जो पत्थर है ये भी पूरा पूरा एक एक पत्थर लगा हुआ है, या दो पीसीज आई थिंक, बल्कि एक है ये पूरा एक पत्थर है, सीढ़ी बनी हुई है जिससे, क्या बात है। और इस साइड पे नीचे इसके आई थिंक कोई बेसमेंट वगैरह मुझे लग रही है, पता नहीं जी, बिल्कुल ये नीचे बेसमेंट है इस साइड का, और ये भी नीचे रोशनदान है बेसमेंट का, और ईंटें इसकी ये बिल्कुल खस्ता हालत में, इसकी हालत तो अब बहुत खस्ता है बट चलो शुक्र है कायम है। ये वाले रोशनदान जो है खिड़की इंटेल गा के बंद कर दिए गए हैं, ये खुला है, और इस साइड से भी आप हालत देखें, ये भी अंदर कोई रूम वगैरह है, या यस भाई चलें सर जी, चलते हैं। ये हम एक पीस यहाँ से मिला है, ये लेके जाएंगे, चलें हिस्ट्री से ही हिस्ट्री लेके जा रहे हैं। कौन सा? हाँ ये भी तकरीबन इधर का हिस्सा है, स्लो था, बहुत ही बड़ी गली है, राइट ये जी हम सराफा बाजार में निकल आए,
स्टॉप, बस इधर ही बस स्टॉप है। तो ये हम निकल आए हैं जी पिंडी के सराफा बाज़ार में, और सराफा बाज़ार है, यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह की दुकान है, और इस गली से हम निकले हैं। खैर पिंडी तो बहुत बड़ी है, पिंडी पूरी तो नहीं घूम सकते, बट अभी जो है एजाज भाई ने लेनी है फ़िश और मैं भी देखूँगा कुछ, तो ये आए हम बनी चौक, यहाँ से ले लेते हैं फ़िश और फिर चलते हैं। ये बनी चौक की स्ट्रीट है, यहाँ पर ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो खाने पीने की हैं, होटल वगैरह हैं, तो इनकी जो है फ़िश जो है वो ताज़ी होती है, और इनके मुताबिक जो अगर आपको दरियाई चाहिए मतलब देसी वो मिल जाएगी, और फॉर्मी चाहिए तो वो मिल जाएगी। सो ये शॉप है जी, इनके पास ये पड़ी है मुश्का, छोटा मुश्का, ये आई थिंक मशेर नहीं वो वाली मशेर है, ये रोहू है वो भी रोहू है, ये आ गया जी सिंगाड़ा, ये सिंगाड़ा, ये आ गया जी बड़ा मुश्का, ये आ गई वाइट सैमन, वाइट सैमन इनके पास ज़्यादा पीस पड़े हुए थे, बट ये वाली ये जो है ये वाइट सैमन है, ये बड़ा सिंगाड़ा है, वो भी जो है आई थिंक मुश्का है, वो भी यही बड़ा मुश्का है। तो खैर आज की वीडियो का भी करते हैं एंड, ये था आज का ब्लॉग, आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, सी यू।